हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं केक। एक हमने एक कटोरी लस्सी ली है, एक कटोरी चीनी और आधी कटोरी देसी घी लिया है। आप लोग चाहे रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। अब इसको ग्राइंडर से हम ग्राइंड कर लेते हैं और फिर डालेंगे इसमें एक कटोरी सूजी। ये हमने ग्राइंड कर लिया है, अभी इसमें एक कटोरी सूजी डालेंगे और इसको भी एक बार ग्राइंड कर लेते हैं। और फिर इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। हमने निकाल लिया है, अभी इसको फुल रखेंगे एक घंटे के लिए, सेट हो जाएगा ताकि अच्छे से फूल जाएगी हमारा ये बैटर। ढक के रख देते हैं इसको। अभी एक घंटे से ज़्यादा हो गया है, हमारा बैटर अच्छे से फूल गया है। अभी डालेंगे इसमें हम 2 चम्मच मैदा। मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे हम इसमें 1 इनो का पैकेट। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। हमने मिक्स कर लिया है, इसमें कोई बबल्स नहीं होने चाहिए, हमारा टाइट हो गया है। अभी इसमें तो हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, ज़्यादा टाइट हो गया है। ये हमने एक आम काट लिया है, आम के छोटे छोटे पीस कर लिए। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं जग में डाल के, ग्राइंडर से। अभी इसमें 2 चम्मच डाल लेंगे हम अपना मैंगो पेस्ट। दो चम्मच डाल लिया है अभी, और बाकी काम बाद में लगा लेंगे। अभी ये मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए मिक्स कर लेते हैं हम इसको अच्छे से। ये हमने इधर कुकर रख दिया है, कुकर में थोड़ा सा नमक डाल दिया है, एक कटोरा रख दिया है, इसके ऊपर रखेंगे हम अपना बैटर वाला। अभी ढक देते हैं और इसमें डालेंगे अब हम 1 पैकेट इनो। ये इनो डाल देते हैं, हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, वो जल्दी स्पीडली फूलेगा। जिसको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना। ये देखो मैंने मिक्स कर दिया है, एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है इसको। ये देखो कैसे बबल्स हो रही, फूल रहा है। इसको साइड में कर देते हैं, एक कटोरा लेते हैं, कटोरे में तेल डाल लिया है। अब इसको चारों तरफ लगा लेते हैं और एक बटर पेपर लेंगे, उस इसके अंदर बिछा देंगे, अच्छे से लगा देंगे बटर पेपर। हमारा घर में मिला था, इसी में लगा कि इसको और इसको उल्टा कर लें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है। इसको उल्टा कर लेते हैं। अब इसमें डाल लेते हैं हम अपना बैटर। डाल लिया है सारा। ये देखो कितना स्पीडली फूल रहा है हमारा बैटर। इसको अच्छे से इसमें डाल लेते हैं सारे को और उसको अच्छे से हिला के सेट कर लेते हैं कि चारों तरफ ही बिल्कुल एकदम सेट रहे हो जाए। ये देखिए अच्छे से। अभी इसको रख देते हैं हम कुकर में रखेंगे इसे 30 से 35 मिनट, बीच में खोल के नहीं देखेंगे, सिर्फ 30 से 35 मिनट तक हम इसे रखेंगे। हमने फुल फ्लेम पे इसको गर्म किया था। अभी इसको बंद कर देते हैं और कुकर की सीटी हमने हटा दी है। ध्यान रखना कुकर की सीटी ज़रूर हटाना है वरना गैस कुकर फट जाएगा। ये हटा दिए और इसकी फ्लेम को कर दिए हैं बिल्कुल ज़ीरो, मीडियम से भी कम कर दिया हमने इसकी फ्लेम को। अभी दिखाते हैं 1 घंटे के ना, ये देखो हमारा 35 मिनट के बाद कितना अच्छा लग हो गया है।
हमारा कितना अच्छा केक बनाया, पहली बार बनाया, तो गाइस बताना जरूर कैसा बना हमारा केक। फिर निकाल लेते हैं इसको चिमटे से पकड़ के, निकाल लिया है। अब इसको ठंडा होने तक रखते हैं। मेरी गुड़िया को बहुत जल्दी थी इसलिए मैंने गर्म ही निकालना पड़ा ये। वो बार बार बोलती मम्मी केक दे दो केक दे दो। अभी इसको चारों तरफ से साइड में जा हटा लेती हूँ। साइड में जा, ये चारों तरफ से इसको हटा लेते हैं और फिर इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये निकल गया, देखो मेरा कितना अच्छा केक है। अभी इसको सीधा कर लेते हैं। गरम था इसलिए मैं एक छोटा सा कपड़ा लगा रही हूँ, कपड़े से पलट रही हूँ। इसके चारों तरफ पॉलिथीन लगी है, ये पॉलिथीन इधर उतारना है। ये देखिए हमारे इस कटोरे में बिल्कुल भी नहीं लगा है, थोड़ा बहुत लगा है। कितना अच्छा बना है हमारा केक, एकदम परफेक्ट। पहली बार बनाया है, इतना अच्छा केक बना है। अभी थोड़ा सा मैं मैंगो, जो हमारा मैंगो का पेस्ट बनाया था, उसको लगा लेते हैं। हमारे पास क्रीम वगैरह कुछ नहीं है, चॉकलेट भी नहीं है, इसलिए हम इस पर यही लगा लेते हैं। पूरे में ये बटर पेपर है ना, ज़्यादा बड़ा कट गया था इसलिए पूरे में चिपटा हुआ है। बताना जरूर भाई मेरा केक कैसा बना, पहली बार बनाया मैंने केक। अभी कट कर लेते हैं क्योंकि मेरी बेटी बार बार खड़ी थी, मांग रही थी केक दे दो केक। बहुत गर्म था, उठा नहीं पा रही थी तो भी उसके भी पॉलिथीन लगी हुई थी। देखिए हाथ बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इतना गर्म था। क्योंकि मैडम को तो केक खाना था, उसको तो देना था। बहुत ही सॉफ्ट बना था ये केक मेरा, ये जिसको पसंद है तो आज ही खाने के लिए। गर्म था इसलिए उठा ही नहीं पा रही थी इसको। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। बाय बाय।